नमस्कार सभी को। ईद पर संस्कृत निबंध, संस्कृत एसे ऑन ईद। ईद पर संस्कृत निबंध जो है हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, आप उसका हिंदी अर्थ भी जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इस निबंध की ओर। भारत देशस्य परंपरा धर्म प्रदाना, भारत देश की परंपराएं जो हैं वो धर्म प्रधान हैं। भारत देश की परंपराएं धर्म प्रधान हैं। रिलीजियस इम्पोर्टेंस है हर एक पर्व की। देशोस्मिन नाना धर्माः सन्ति, इस देश में अनेक धर्म हैं। नाना अर्थात अनेक, धर्माः धर्म सन्ति हैं। येन प्रकारेण, जिस प्रकार से हिंदूनां, हिंदुओं का मुख्य उत्सव मेन फेस्टिवल दीपावली, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा प्रवृत्तयः सन्ति। दीपावली, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा आदि हैं। तथैव, वैसे ही, तथा प्लस एव तथैव, वैसे ही महमदीयाना, मुस्लिम लोगों की यहाँ होगा मुस्लिम लोगों के उत्सवेशु, उत्सवों में सर्वोत्तमाः, सबसे उत्तम ईद इति मन्यते, ये माना जाता है। ईद सबसे उत्तम उत्सव माना जाता है मुस्लिम लोगों का। मूलतः बेसिकली उत्सवो अयम, ये उत्सव तपस्यायाः, उपासनायाश्च, तपस्या और उपासना का पर्व, फेस्टिवल मन्यते, माना जाता है। बेसिकली ये उत्सव तपस्या और उपासना का फेस्टिवल माना जाता है। सामाजिक मानवीय सद्भावनायाः, सामाजिक और मानवीय सद्भावना की दृष्टया, दृष्टि से अपि भी अत्याकर्षकमिदं पर्व, बहुत आकर्षक ये पर्व है। अस्मिन् पर्वणि, इस पर्व में महमदीयाः मुस्लिम का रमजान मासे, या महमदीयाः मुस्लिम रमजान मासे, रमजान महीने में चंद्रमा को विलोक्य देखकर रोजा इति व्रते प्रारंभते, रोजा ये व्रत शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। अस्याम रोजायाम, इस रोजा में पूर्णम दिनम, पूरे दिन व्रतधारिणः, व्रतधारी उपवासम कुर्वन्ति, उपवास करते हैं। अस्याम रोजायाम, इस रोजा के दिनों में पूर्ण दिनम, पूरे दिन व्रतधारिणः, व्रत धारण करने वाले उपवासम कुर्वन्ति, कुछ भी खाते नहीं हैं। पुनः संध्या काले, फिर शाम के समय में सम्मिल्य, मिलकर इफ्तार नामकम उपवास भंगम कुर्वन्ति, दोबारा संध्या के समय में मिलकर इफ्तार नामक उपवास भंग करते हैं। तो अब आगे इस तरह से है कि मासस्य अंतिमे शुक्रवारे, तो वीडियो देखते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बाकी तक भी भेजें, शेयर करें, खुद भी देखें, दूसरों को भी दिखाएं। अब आगे बढ़ेंगे हम। शुक्रवारे, मास के अंतिम शुक्रवार में ते, वे रमजानस्य, रमजान का या रमजान के मासावसाने, एक महीने में संध्यायाम, संध्या के समय में पुनः चंद्रम दृष्ट्वा, पुनः चंद्र को देख करके अन्य इदयुः, अन्यों के लिए प्रातः काले, सुबह के समय में ईदस्य,
ईद का नमाज इति प्रार्थनाम कुर्वन्ति। सभी मिलकर के ईद का नमाज ऐसा मान करके प्रार्थना करते हैं। कब? जब रमजान का अंतिम दिन होता है उस दिन। ईद महोत्सवस्य दिने, ईद महोत्सव के दिन में जनाः लोग नवानी वसनानी, नए कपड़े धारयन्ति, धारण करते हैं। मधुरानी, मीठे पकवानानी, पकाए हुए अन्न, मधुर और पकाए हुए अन्न मिलित्वा खादन्ति, मिलकर खाते हैं। पकवानेषु, पके हुए अन्नों में, सेवई प्रधाना, सेवई जो है वो बहुत प्रधान है। तो आप सुन रहे होंगे तो आपको भी लग रहा होगा कि सेवई जो है वो जरूर खाएंगे इस बार ईद में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दुग्ध युक्तानी, दूध से बने हुए, दुग्ध युक्तानी दूध से बने हुए। अन्यानी वस्तुनी च खादयन्ते, और भी वस्तुएं खाते हैं। अवसरेस्मिन, इस अवसर पर प्रायः सभी, प्रायः करता था सभी, प्रायः मतलब हमेशा, सर्वे जनाः सभी लोग, निर्धनाः गरीब, धनिकाश्च गरीब और अमीर, यथाशक्ति मतलब जितना अपने से हो सकता है, दीनार्तानाम, दीन और आर्त, आर्त होते हैं दुखी, दीन और दुखियों की सेवार्थम, सेवा के लिए दानम कुर्वन्ति, दान करते हैं। तदेव, वैसे ही, दानम जकात, दान को जकात, इति ये, और फितर, और फितर इति, फितर ये च कथ्यते कहते हैं, वैसे ही दान को जकात और फितर कहते हैं। वर्षे वर्षे मतलब साल साल में, हर साल में, समागतस्य आने का, ईद महोत्सवस्य ईद महोत्सव का, ईद महोत्सव की प्रतीक्षा इंतजार सर्वे क्रियते सभी करते हैं। हर साल में आने वाली ईद का सभी जो है वो इंतज़ार करते हैं। और ये था हमारा ईद पर आधारित निबंध। आपने देखा होगा, अब आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, खुद भी देखिए, दूसरों को भी दिखाइए, और आनंद के साथ सभी मिलजुल करके भारत देश की विविधता को बरकरार रखते हुए सभी त्यौहार मिलकर के बनाएं। धन्यवाद। सभी का दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।